अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो फ्राइडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम तकरीबन पता नहीं 10 बजे का था, कुछ ऐसे ही था। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने कहा आज ना ऑयलिंग की जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नहीं थी की, तो बाल जो है ना पाकिस्तान से मैंने उगता है ना आके उसके बाद ख़राब हुए मैं। अच्छा जी, हुमायूं द किचन का मैं ऑयल सेकेंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सच बताऊँगी कि मेरा तो हेयर फॉल मुझे लगता है इससे और भी ज़्यादा हो गया ना। हालांकि मैंने इसकी बहुत सी तारीफ़ें सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ना मुझे सूट करेगा। सारों को सूट किया होगा लेकिन मुझे नहीं कर रहा। चलें देखते हैं फिर। लेकिन मैंने अभी तक का जो रिज़ल्ट थे वो बताए, उसके बाद फ्राइडे को आपको बताया। माशाल्लाह, सूरत काफ़ पढ़नी होती है तो वो भी मैंने कहा एक दफ़ा पढ़ लूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, फिर उसके बाद आपके पास वो सुबह वाला थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी अपने जो काम करने होते हैं कर सकते हैं। फ्राइडे को मतलब बच्चों का स्कूल हाफ डे होता है तो उसमें टाइम भी बड़ी जल्दी गुजर जाता है। खैर, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया सब कुछ पढ़ने पढ़ाने के बाद। पहले ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी मैंने मॉर्निंग में जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है। उसके बाद इतना ज़्यादा लंबा टाइम गुजरा, फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा हैवी सा नाश्ता हो जाए। इफ़ा ने एक पैकेट मंगवाया ज़ालांडो से, तो चेक करते हैं। मुझे नहीं पता इफ़ा ने क्या मंगवाया, चलें देखते हैं। वाओ, कलर तो बहुत नाइस है। अब देखना ये है कि ठीक भी है या नहीं। बिल्कुल ठीक होगा। चलो खोलो फिर जल्दी से, अगर मुझे अच्छा लगा ना तो फिर मैं भी ऑर्डर कर लूँगी। ये देखें जी, वेरी नाइस। हाँ, शॉर्ट कोट है, कोट 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 है हाँ, लेकिन प्यारा इफा, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। कलर बहुत नाइस है। अब आप ट्राई करो। इफ़ा तो अभी बिल्कुल हमें दिखाने के लिए एग्री नहीं है जी, ट्राई करेगी करिए। मैं खुद ही ट्राई करूँगी और जिस दिन पहना होगा ना वैसे ही आप देख लेना बस। मैं कहा ओके करो, ठीक है चले जी। बस ये जालानों से आया था, मैं भी देखूँगी, अगर मुझे भी अच्छा लगा मैं भी ऑर्डर कर लूँ। इस टाइम पर मैं आ गई हूँ जी अचानक से एक्शन में, और देखते हैं यहाँ पर क्रिसमस आ गया उसके लिए ना सच धज गया है सब कुछ। आगे चल के देखते हैं। ये देखें सारा चॉकलेट्स ढेरों ढेर आ गई हैं। ये मैं एक दो चीज़ें लेने आई थी जिसमें से वॉल क्लॉक भी था, लेकिन उसमें सिर्फ ये वाला रह गया है। मेरा मैच नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। तो ये वाला कैसा लग रहा है, ये साइज़ में बहुत छोटा है जो कि मेरा छोटा लेने को दिल नहीं, और ये तो बहुत ही डिस्को है नीचे वाला, कोई चक्कर नहीं है। लो जी, मेरा दूसरा काम भी नहीं हुआ। मैं मैट्स लेने के लिए आई थी तो ये वाले मैट हैं, सिर्फ 2 पीस हैं, ठीक है। और अगर ये वाले हैं तो ये वाले भी कम है, ऊपर जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। कितना को प्यारा लग रहा है ना बाबा, पानी चल जाता है। मैं आई हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी है, वॉल लग रही है, पता नहीं अब वीडियो में कैसी लग रही होगी आपको। यार इतने प्यारे कलर्स हैं। खैर नज़दीक चलते हैं थोड़ा, अभी चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। ग्रीन, रेड और कुछ सेंटर में कलर हैं, कोई लाइट है कोई डार्क है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्रीन से येलो हो रहे हैं, अब ये सारी जो है ना खूबसूरती जाने वाली है। बस मैं एक्शन गई थी 2 चीज़ें लेने के लिए, मैट्स टेबल के लिए और साथ में ना वॉल क्लॉक, तो दोनों चीज़ें ही नहीं मिली तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैंने कहा ये मैं ऐसे ही आई हूँ इतनी दूर। और एक्शन का सीन ये है कि यहाँ पर हमारे एरिया में ना नज़दीक यह एक ही है, तो बस फिर वहाँ पे आवाम जौन से ना हर वक्त टूटी होती है। ऊपर से क्रिसमस की लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दिया, डेको शेको ये वो अपने घर को बहुत डिकोर करते हैं। उसके बाद फिर ये था जी, घर जब आए तो बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। सबसे आसान वाला ऑप्शन पास्ता फिश थी, तो मैंने भी निकाला इसको बनाया, और इनको पसंद भी बहुत है, तो खाओ पियो इन्जॉय करो बस। सिफा के एक नहीं दो दो पैकेट आ गए हैं जी, शेन का भी आ गया है, तो ये भी चेक करते हैं इसमें क्या है। इफ़ा को पता है क्या मंगवाया है, मुझे नहीं पता, मैं भी देखती हूँ साथ में, और आप भी देखें जी इफ़ा ने क्या मंगवाया है। इफ़ा आराम से, अब इतनी भी ना ना इतना जुल्म नहीं करूँ। वाओ, ओके, वो नीचे क्यों है बाय द वे? ओके दिखाओ ज़रा, ये क्या है? ये 2 दफ़ा गलती से आगे 1 दफ़ा मंगवाना था। ओके चलो, गलती भी हो गई इफ़ा से, अब क्या करें इफ़ा इस गलती का।
माफ़ कर देते हैं, चलो इफ़ा को खुश कर देते हैं, वो गैम्बो खुश हुआ है ना। चलो ब्रशेस दिखाओ ना ज़रा, ब्रशेस वैसे प्यारे लग रहे हैं उनका। नाइस, चलो जी ज़बरदस्त। ज़रा कितने ब्रशेस हैं, खोलो इनको। नाइस, कितने ब्रशेस हैं इफ़ा ये? अच्छा अच्छा, इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है, कलर्स भी इनके अच्छे हैं, है ना। तो ये क्या, इनकी प्राइस क्या थी? पता नहीं है, मुझे याद तो नहीं। अच्छा ओके, और वो क्या है? नेल्स आ गए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, इतने सारे नेल्स आ गए हैं, अल्लाह जाने इफा ने किधर लगाने, ऊपर नीचे लगाने, इकट्ठे ही मंगवा लिए मुझे लगता है एक साल के लिए। एक साल से ज़्यादा। अच्छा जी, बस ये थी इफा की शेन की शॉपिंग छोटी सी। और ये क्या है? ये नेल्स के लिए है। यस, इफा का ना एयरपोर्ट पे, उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पे ये फिकवा दिया था कि इफा के बैग में था। वैसे इफा ने गलती की थी बैग में रखी, ऐसी चीज़ें बैग में तो बिल्कुल भी नहीं रखते। आते हुए ट्रॉली में था। हाँ, यहाँ से जब जा रहे थे फिर ट्रॉली में था, जब पाकिस्तान से आ रहे थे तब उसके बैग में था, तो लाहौर एयरपोर्ट पर उन्होंने फेंकवा दिया। मैंने कहा चलो अब जाके अपनी बीवी को दे देगा कि तुम यूज़ कर लो। मजाक कर रही हूँ। तो खैर जी, बस फिर ये वाली शॉपिंग थी इफ़ा की अभी तक के लिए ना, आगे भी कुछ आ सकता है मज़ीद, है ना इफ़ा। अच्छा जी देखें, ये कुछ इस तरह से है, इसको बाद में आपको खोल के भी दिखाते हैं कि अंदर इसके क्या है, बाहर इसको इस तरह से इसका जो यूज़ केस है वो किस तरह है। ये हीटलेस कर्ल्स जो बनते हैं ये वो है जनाब। इफ़ा से मैंने कहा ज़रा दिखाओ तो ये आपने मंगवाया क्या, ये हीटलेस कर्ल्स जो बनाती है ना इफ़ा सॉक्स के साथ, अभी इफ़ा ने इसको मंगवा लिया। ठीक है जी, अभी मैं बना रही हूँ जी अपने हस्बैंड की डिमांड पर आलू और चने का वो जो सालन नहीं बनता है नाश्ते के लिए वो वाला। अच्छा वैसे मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि मैं कैसे बनाती हूँ चने, आज भी बना लेते हैं। मैंने ऑयल में डाल ली है कलौंजी, अब ये रहा वाइट ज़ीरा, ये भी डालते हैं। इसको भी ट्राई कीजिएगा जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया। अच्छा जैसे इसकी खुशबू आएगी ना, साथ ही आपने इसमें ना आलू डालने हैं। आलू इसलिए मैं पहले डाल रही हूँ ताकि ये आराम से ना गल जाएंगे। इसको मैं पहले थोड़ा सा ना फ्राई करती हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा मैंने ना इसमें एक शशकई का आप कह लें कि मारा है, थोड़ा सा ना इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है कुछ। जब अक्सर जो है ना वो हम आलू देखते हैं ना, उनके थोड़े से येलो होते हैं, तो मैंने कहा आज ये वाला शशका मार के भी चेक कर लेते हैं हम भी, केड़ी गल है। अच्छा हुआ ये है जी कि मैंने 5 मिनट के लिए आलूओं को फ्राई कर लिया है। और आपने पता करना क्या है, आपने जनाब हथ खोला रख के ऑयल नहीं डालना, ज़रा हथ खोल के ऑयल डाल लीजिएगा, ठीक है। इना भी ना डाल लेना के बाद में आपकी बिस्ती होती हो, ठीक है। ये देखें आलू थोड़े से हो गए फ्राई, अब पता क्या करना है बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकें, एक मिनट। ये देखें टमाटर है एक मेरे पास मीडियम साइज़ का, इसको भी डाल लेते हैं, इसमें भी एक इसका पीस रह गया, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए यार, समझा करें। अच्छा जी बहुत मजाक हो गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आई है मुझे कि मेरे लिए ना ये चने रेडी करो, मैं आ रहा हूँ, वो घर पर नहीं है। तो किचन की इस साइड को मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती क्योंकि ये साइड बहुत जो है ना गंद मंद बना हुआ, बर्तन वॉश होने वाले हैं। करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, बच्ची बच्ची कोई नहीं हूँ मैं, ठीक है, 4 बच्चों की अम्मा बन गई हूँ। अच्छा जी ये 2 कैन मैंने लिए हैं, हाफ को ये देखें मैंने कर लिया है इस तरह, इनको मतलब प्रेस कर लिया है, कूट शूट लिया है, और हाफ को मैंने इस बास्केट में रखा है। अब इसको डालते हैं हम इसके अंदर, टमाटर भी साथ ही हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भी मैं इसके अंदर ही डालती हूँ। इतने सादा तरीके से ये चने बनते हैं लेकिन इतने कोई टेस्टी होते हैं कि आपकी सोच हो सकती है। अच्छा एक बात मैंने और आप लोगों को कहनी थी यार, बड़ी ज़रूरी, आजकल आप लोग मेरे से लगता है नाराज़ हुए हुए हैं या आप लोगों को मेरे व्लॉग्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, कोई एक वजह तो है, तो आप लोग मेरे वीडियोज़ तो बिल्कुल भी नहीं वॉच कर रहे। चलें वॉच करें, मुझे प्यार पे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके प्यार मोहब्बत का ना बस ये पता चल जाता है आपने वीडियो देखी, एक लाइक आपका आ जाता है ना तो उसे पता चल जाता है, जितने लाइक्स होते हैं उससे आइडिया मुझे हो जाता है। खैर जी ये देखें ना, जो मैंने शशका भी इसमें मारा था, मुझे लग रहा है थोड़ा मज़े का लग रहा है। अभी इसमें जो मसाले जाते हैं ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे इसमें 2 मसाले रेगुलर, जो सिर्फ नमक और मिर्च, वो भी आपने अपने
टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है कि आपको कितनी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो एक मेन चीज़ जाएगी बस वो भी मैं ऐड करती हूँ। रुकें रुकें, जाना कहीं नहीं आपने, अच्छा, और ट्राई भी आपने ज़रूर करना है कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी न्यू यूट्यूब फैमिली है, ये मैं उनको बता रही हूँ, और किसी से मिस हो गया तो मेरी जान उनके लिए भी है, ठीक है, किसी ने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया हुआ है ना, बस मैं इसलिए कह रही हूँ, ओके करें। तो मैं ये वही वाला नमक मिर्च वाला ही अपना यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने लिया है अचार। जब अचार का मसाला आपने डालना है, ठीक है, जब मसाला ना रहे तो फिर आप कुछ भी डाल लें अचार में से निकाल के, ठीक है। ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट, ये ही इसकी सारी शान और शौकत है, ठीक है। ये मेरी बहनें, मेरी जान जान से है ना, वो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने भाइयों को, अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को और अपने हस्बैंड को प्यार प्यार हाथों से बना के खिलाएँ, तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा उनको। अगले संडे को फिर आपकी शामत आ जाएगी, या सैटरडे को या फ्राइडे को, जिस दिन भी उनका ऑफ हुआ। जो मैंने येलो कलर ऐड किया था वो तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया है जनाब, देखें कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, शायद रेडी होंगे तो कुछ समझ आ ही जाएगी। बातें करते करते आलू और चने अच्छे से मैंने भून लिए हैं। अब इसमें जाएगा पानी, तो इसको पानी ऐड कर देते हैं। इसमें जितना आपको चाहिए उतना रख लें, ठीक है, ताकि आपकी ग्रेवी भी लाइट सी बन जाए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इसके साथ आप पूड़ियाँ मंगवाएं, वल्ला आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पर इसके साथ पराठे बनाऊँगी। आटा शटा मैंने गूंद लिया है और इसके रेडी होने का वेट करते हैं। बट कलर बहुत नाइस आया है ना, कितना मज़े का लग रहा है। अब आलू जो है ना वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं बीच में, तो चलें जी इनको चेक भी करते हैं और देखते हैं। ये रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो बस इनको एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल रेडी हैं, मैंने चेक कर लिया है। आलू भी जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। एक टिप आपको दे देती हूँ, आलू को पहले फ्राई करें 80%, ठीक है, फिर इसमें टमाटर ऐड कीजिएगा। उससे पहले ये होगा कि अगर टमाटर इसमें चला जाएगा ना, आलू ठीक से नहीं मतलब गले होंगे, तो फिर ये होगा कि ना आलू लंबा टाइम आपको ना जलील कर देंगे, ठीक है, नहीं पकेंगे अच्छे से। तो बस अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ये देखने मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, आपको मैंने सबूत भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बताती चलूँ कि ये पूड़ी पराठे वाले चने हैं, मतलब पूड़ी के साथ या पराठे के साथ इंजॉय करें, नान के साथ इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को मैंने एंड कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं एक दफ़ा आपको बता दूँ।